बलियापुर थाना क्षेत्र के पलानी में एक माह पूर्व सौंच के लिए गई महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, जिसका आज तक उद्भेदन नहीं हुआ, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले पुलिस के प्रति विरोध मार्च निकाला और बलियापुर थाना का घेराव किया। विरोध मार्च बलियापुर प्रखंड कार्यालय से बलियापुर बाजार होते हुए बलियापुर थाना तक निकाला गया तथा थाने का घेराव किया गया। विरोध मार्च में प्रदेश सचिव माया लायक, जिलाध्यक्ष उपासी मेहताइन, भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास कुमार ठाकुर तथा जिलाध्यक्ष गौतम प्रसाद ने भी समर्थन देते हुए कहा कि यदि अभियुक्त बलात्कारी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो महिला समिति के साथ DYFI भी आंदोलन में उतरेगी। जिलाध्यक्ष उपासी मेहताइन ने कहा कि घटना 23 सितंबर की है, एक माह बीत जाने के बाद भी बलात्कारी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे पुलिस प्रशासन के खिलाफ महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है। पुलिस प्रशासन इस दिशा में कोई कदम अभी तक नहीं उठाई है। यदि बलात्कारी की गिरफ्तारी एक सप्ताह के अंदर नहीं होती है तो धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया जाएगा और आगे जोरदार आंदोलन करेंगे। वहीं पीड़ित महिला ने कहा कि एक माह बीत गए लेकिन आरोपी इंद्रजीत महतो की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहा कि पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो और उसे फांसी की सजा दी जाए। एक गांव है, वहां पे एक महिला के साथ दुराचार हुआ है और हम लोग उसी घटना को लेके यहां पे थाना घेराव किए थे। क्या कुछ मांग थी आप लोगों की? हम लोग मांग थी कि वो जो आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। तो मैडम बोली है कि उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा, अभी उनके कुछ पता नहीं चल रहा है और उन्हें जल्द से जल्द इनकार किया जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो उनके घर पे कुर्की जब्ती किया जाएगा। कब की घटना है और किनके द्वारा की गई? इसे 23 सितंबर की घटना है और 23 सितंबर से अभी एक महीना से ज्यादा हो गया है, इसीलिए हम लोग ये सब धरना किया। तो उनकी गिरफ्तारी नहीं? जी नहीं सर, अभी तक हुई। क्या कुछ मांग करते हैं आप? सर हम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमें एक महिला के साथ ये दुराचार हुआ है, इनसे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इनसे इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग फिर जिला लेवल पे जाएंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीना पासवान है और हम जनवादी महिला समिति के प्रखंड सचिव हैं। क्या हुआ? कब का घटना है? 23 तारीख को। 23 आज थाना आए हैं, क्या मांग लेके आए हैं? उसको फांसी होना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। गिरफ्तारी हुई है क्या? नहीं हुई, नहीं हुई अभी तो। पूरा आप लोग पूरा विस्तार? 23 तारीख को हुआ है। 23 सितंबर? हाँ 23 सितंबर। कौन है सर जिसके द्वारा ये घटना? आजाद माता। तो क्या उनकी गिरफ्तारी अभी तक हो पाई? नहीं हुई है। क्या कुछ मांग कर? हम उसको बोले जो उसको मैंने पकड़वाया नहीं, अभी पकड़ा नहीं और अभी उसको सजा नहीं हुआ। जरूर जरूर।